अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ अहमद रज़ा अशरफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रज़ा AIOU स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के हवाले से है जो इस बारे में परेशान हैं कि अपनी किताबें जो है वो किस तरह उनको मिलेंगी और क्या उनकी किताबें आएंगी या नहीं आएंगी। बहुत से तलबा कराम के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारी बुक्स कब तक आएंगी और सर हमारा एडमिशन कंफर्म हो चुका है, बुक्स का हम कब तक इंतज़ार करें और क्या हमें किताबें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं और आप तमाम दोस्तों को इस पर बता दूं कि आपने किस तरह जो है अपने बुक्स को जो है वो हासिल करना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 2021 से जो है नई स्कीम का ऐलान कर दिया था कि ऐसे तलबा इकराम जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको अब किताबें नहीं मिलेंगी। जैसे CMS पोर्टल बना दिया है, यूनिवर्सिटी अपग्रेड हो गई है, सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया है, इसी तरह अब यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को किताबें नहीं देगी। अच्छा, अब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कौन से हैं? पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में BEd चाहे वो 2.5 ईयर हो, 1.5 ईयर हो या 4 ईयर्स हो, इनको नहीं किताबें मिलेंगी। उसके अलावा MA, MSc, MCOM, MBA, MA, इसके अलावा MEd, ऐसे तलबा को भी यूनिवर्सिटी किताबें नहीं फ्राहम करेगी। PGD है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, उनको भी किताबें नहीं मिलेंगी। अच्छा, अब किताबें नहीं मिलेंगी तो तलबा कराम तैयारी कैसे करेंगे? तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया होता है, उसमें उन्होंने किताबें डाउनलोड करने, किताबों को वहाँ उन्होंने रखा हुआ है, आप वहाँ से जाके अपनी बुक्स कोड के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको करने का तरीका नहीं मालूम तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आपने वहाँ से लिंक लेके बुक्स को डाउनलोड करने का तरीका वहाँ से देख लेना है और अपनी बुक्स को डाउनलोड करके उसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी है। और ऐसे तलबा जो मैट्रिक, FA और BA के हैं उनको अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन कंफर्म हो जाने के एक मंथ के बाद तक किताबें उनके घर तक अरसाल हो जाती हैं, उनके घरों में आ जाएंगी, हार्ड कॉपीज होंगी, वो अपनी किताबों से अपनी असाइनमेंट लिख सकेंगे और मजीद अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो किताबों के हवाले से। अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल यही मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स वॉचिंग अस। अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।